हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच आया हूँ। टाइम आप देख सकते हैं 4:30 की ट्रेन थी, लेकिन अभी 4:45 हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लें आप, 4:05 हैं। टिकट मेरे पास नहीं है, रिज़र्व मैं नहीं थी करवाई, क्योंकि वो बाद में बताऊँगा। तो टिकट अभी हम लेंगे, टिकट मिलेगी हमें, वो सामने स्टेशन है, टिकट मिलेगी वहाँ से। तो अभी हम चलते हैं उस साइड पर, रोड क्रॉस करते हैं। ट्रेन जी यहाँ से हम टिकट लेंगे, वो देखें ऑलरेडी मेंशन है रिजर्वेशन ऑफिस, मतलब कि टिकट वगैरह यहाँ से रिजर्व भी होती है, सारे सीन जो है ना यहाँ पे है। तो रश काफ़ी लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या सीन होता है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा शूज़ मुझे लग रहा है, इसलिए मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। लेकिन इस साइड से हमें ट्रेन मिलेगी, ये गुजरांवाला था पिंडी है जहाँ मैंशन, यहाँ से तो वो देख सकते हैं आप, ये मेंशन भी है गुजरात गुजरात गुजरात, ये देखें गुजरात 250 की यहाँ से हमें टिकट मिलेगी। और टिकट लेते हैं फिर हम बात करते हैं बाद में। आमने सामने वाली दो सीटें दे देना, सारे गुजरात की दीजिएगा। हाँ जी जी, कोई बात नहीं, मैं तीन कर दें, नंबर लगा दिया है ना। ठीक है, सारे गुजरात की दीजिएगा। मैम स्नोबर, थैंक यू सर। 4:30 टाइम है ना, ओके हो गया। लें जी फाइनली टिकट हमें मिल चुकी है, ये देखें जी, ये देखें, लाहौर से गुजरात, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि प्लेटफार्म नंबर कौन सा हमारा, क्योंकि प्लेटफार्म नंबर का हमें मालूम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि भाई प्लेटफार्म कौन सा है, ठीक है। इसको डालते हैं अभी पॉकेट में, और अभी यहाँ से हम जाएंगे अंदर, वो सामने जो है ना वहाँ पे बैग वगैरह चेक होगा, जो भी सीन है, तो वो क्लियर करने के बाद हम अंदर एंटर होंगे। और फिर जो है ना आई थिंक 5 या फिर 8 जो है ना नंबर होगा प्लेटफार्म नंबर, तो वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और फिर जो है इंशाल्लाह विद इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर हम गुजरात होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जी यहाँ पे मास्क के बगैर जाने नहीं दे रहे, तो मास्क मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये देखें ये मास्क है मेरा, तो ये पहनते हैं। ये देखें जी यहाँ पे इन्होंने स्टॉल भी बाकायदा लगाया हुआ है कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो यहाँ से ले लें। वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, हाँ व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और भाई क्या क्या आपके पास? इधर हमारे पास है सैनिटाइज़र, आपकी तरफ कैमरा काट लूँ, ओके जी। हमारे पास सैनिटाइज़र है, उसके बाद हमारे पास साबुन वगैरह है, तस्बीहें, लोशन, N95 मास्क। अच्छा माशाल्लाह क्या बात है, चलिए अभी हम जी जी हमने रखा हुआ है साथ में तौलिए का इंतजाम। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अभी हम यहाँ से एंटर होते हैं जी अंदर, ये मर्द हजरात और ये हवातीन इस साइड पे। गुजरात गुजरात जाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? 8 देखा, 8 नंबर है जी गुजरात जाने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे और ये नीचे का व्यू है और ये साइड का व्यू है, देख सकते हैं कितना हजूम है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाने के लिए आपने बिल्कुल सीधे आना है और यहाँ पे मेंशन होगा कहाँ पे, यहाँ पे ये देखें, ये 4-5 नीचे है, 8 और 9 जो है वो आगे है। अभी हम जाएंगे आगे, यहाँ से वो सीधा एंड पे, वहाँ पे भी मेंशन है। एट और नाइन वो देख सकते हैं आप,
ये देखें, 8 है इस साइड पे, 9 है इस साइड पे। तो अभी हम जाएंगे नीचे, लें जी ये हमारी ट्रेन खड़ी है और इसमें हम किसी भी सीट पर बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने टिकट ली है करंट, रिज़र्व नहीं थी करवाई। और अगर कोई आके मुझे कहेगा कि भाई ये मेरी जगह है, आप यहाँ से उठ जाओ, तो मुझे उठ जाना ही मेरे लिए बेहतर है, बिकॉज़ वो सीट मेरी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अंदर ट्रेन के और जगह जा कर ढूँढते हैं कि क्या सीन जो है ना होता है अंदर। चलें जी, पिंडी जा रही है तो बैठा भाई यहाँ पर, बैठा कोई नहीं है, बस ठीक है, इधर ही बैठ जाते हैं। भाई ये वाले गर्म है, भाई ये गर्म है पकौड़े, ठंडे हैं, चले ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जी, भूख वगैरह लगी थी, सोचा पकौड़े खाते हैं यहाँ से। तो ये कैंटीन वगैरह भी यहाँ पे, टाइम है अभी ट्रेन चलने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। फुल इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इंशाल्लाह आज रात का, कल रात को अपलोड कर दूँगा, आप चेक कर दूँगा यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। ये मैं ना प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ, गुजरात से स्टार्ट किया है, लाहौर आया हूँ, फिर लाहौर से जलोपार गया हूँ, वहाँ शूट किया है, फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ स्टेशन के बाहर, अब यहाँ पे ये कम्प्लीट एक ब्लॉग बनेगा। हाँ जी गुजरात का मैं, अच्छा 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 क्या सर, ये कितने का है? ये 20 का, 20 का ओके सर, थैंक यू। कितने की है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कितने की है? ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्टेशन है ना इसलिए 80 की मिली है, वैसे 60 की है, लेकिन चलो ठीक है। ट्रेन के निकलने का टाइम हो रहा है, इसलिए हम वापस चलते हैं ट्रेन में। सर थोड़ा रुक जी, मेरी सीट जाती रही फाइनली। जब आप गुजरात पहुंच जाते हैं तो आपको स्टेशन से जाना होगा बाहर, जाके आपको मिल जाएगा इजीली ऑटो और दूसरे जो है चांदगढ़ी वगैरह कुछ भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे, तो देख सकते हैं आप 6:22, 2 घंटे से ही पहले, 8 मिनट पहले ही हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जाएँगे अब बाहर। और मैं भी इस टिकट को वो यहाँ से ले लें, क्योंकि ये इन्होंने जो है ना वो यहाँ से कलेक्ट करनी होती है, तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ पर नहीं है वो, इसलिए ये टिकट अब मैं वेस्ट कर देता हूँ, मेरे काम की नहीं है वैसे भी। यहाँ से ये देखें बाहर रिक्शे वगैरह खड़े हैं, ऑटो वगैरह, जिसमें भी आपने जाना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो आप यहाँ से यार आइसक्रीम वगैरह कुछ ना कुछ तो चलेगा ना, फिर क्या ख्याल है। इनके पास चलते हैं और यहाँ से जो हम कुछ लेते हैं खाने के लिए, कप में देते हैं। वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? बस ठीक है, चैनल पे अपलोड करने का कब में दे दें?
सॉरी गरी नहीं, क्रंच लगा देंगे, जो क्रंच है ना साथ पड़ी हुई, ये ज़्यादा लगाना, चॉकलेट भी लगा दें और वो जो क्रंच है वो ज़्यादा डाल लगा देना। हाँ ये ज़्यादा डाल देना। चलें गुड हो गया भाई। ਬਾਬਾ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ।